वहीं खबर शाजापुर यूपी से है। जिले के प्रतिष्ठित फर्म कन्हैया होजरी के दो कर्मचारियों से नेशनल हाईवे पर सरेआम 2,08,000 रुपए की लूट हो गई। कर्मचारी निगोई से वसूली कर शाजापुर सिटी जा रहे थे, तभी टिकरी और गुरगवां के बीच पीछे से आए बाइक सवार दो नकाबपोशों ने कर्मचारियों की बाइक रोकी, तमाचा दिखाकर रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। हाईवे पर दिन दाड़े हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तमाम हाथ पांव मारने के बाद लुटेरों का पता नहीं लग सका है। मिली जानकारी के अनुसार शाजापुर नगर के कटिया टोला मोहल्ले में कन्हैया होजरी नाम से कपड़े आदि बड़ी फर्म है। इस फर्म से पूरे जनपद के व्यापारी कपड़ा आदि सामान ले जाते हैं। निगोई के व्यापारी भी यहां से सामान उधार ले जाते हैं, जिसका रुपया धीरे धीरे वसूल किया जाता है। कन्हैया होजरी के कर्मचारी राधेश्याम व राजेश बाइक से निगोई आए और दुकानदारों से वसूली करने के बाद वापिस शाजापुर जा रहे थे। दोनों अभी निगोई शाजापुर मुख्य हाईवे पर टिकरी और गुरगवां गांव के बीच ही पहुंचे थे कि पीछे से आ रहे बगैर नंबर की लाल बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक कर कर्मचारियों की बाइक खती पर गिरा दी। इसके बाद तमेचे से बल पर पूरे रुपए से भरा बैग छीन कर बदमाश निगोई की ओर भाग गए। कर्मचारियों ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को खबर दी। लूट की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सिटी SP संजय कुमार, CEO सदर और SAO निगोई के साथ SOG भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एक कर्मचारी को साथ में ले जाकर बदमाशों की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।